फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए चाउमीन की रेसिपी लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमने लिया है बता देते हैं आपको। हमने लिया है एक बाउल, हमने चाउमीन लिया है, उसको हमने 10 मिनट तक पानी में बॉयल कर लिया था नमक डालकर। उसके बाद उसको हमने ठंडे पानी से धो लिया है। एक टमाटर लिया है, एक प्याज लिया है, एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, टुकड़ों में छोटे काट लिया है हमने। एक गाजर ली है मीडियम साइज की, उसको भी लंबे टुकड़ों में काट लिया है। एक शिमला मिर्च लिया है, उसको भी हमने पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है। इधर हमने लिया है टोमेटो सॉस 1 चम्मच, रेड चिली सॉस 1 चम्मच, 8 से 10 लहसुन की कलियां, उनको भी टुकड़ों में हमने काट लिया है छील के, नमक टेस्ट के अनुसार और सोया सॉस। तो सबसे पहले हम पैन चढ़ा देंगे, पैन में ऑयल डालेंगे, हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गरम होने देंगे, हाथ लगा के देखेंगे ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें हम ये अदरक डाल देंगे और ये लहसुन डाल देंगे, हिला देंगे ऐसे। अब इसी में हम ये साथ में प्याज डाल देंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो बहुत ज्यादा सब्जियों को नहीं पकाना है। अब इसमें हम गाजर डाल देंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे गाजर को भी। अब हम इसमें एक टमाटर डाल देंगे, टमाटर को भी कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। तो सब्जियां हल्के पक चुकी हैं। अब इसमें हम ये शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च हमने लास्ट में डाला है, नहीं तो एकदम गल जाएगा। अच्छे से फ्राई करते रहेंगे। अब थोड़ी देर सब्जियों को हम और फ्राई करेंगे। हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे, नमक अपने टेस्ट के अनुसार ही डालें, क्योंकि टोमेटो सॉस और रेड चिली सॉस में भी नमक है। ये टोमेटो सॉस डाल दिया, ये रेड चिली सॉस डाल दिया और ये हमने सोया सॉस भी हमने डाल दिया। हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। हमने सब सॉस को मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम ये नूडल्स डाल देंगे, अच्छे से चला देंगे। तो चाउमीन बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल खिली खिली बनी है, एकदम कहीं भी चिपकी नहीं है। अब हम प्लेट में निकालेंगे इसको। तो हमने प्लेट में निकाल लिया है। तो इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।